नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक लैपटॉप है, डेल का है, ठीक है। और ये है कि इसमें शॉर्टिंग है, तो ये ऑन नहीं हो रहा, देख सकते हैं। और अभी फिलहाल देखिए मेरे पास ये अडेप्टर है, ठीक है। अभी ये बंद कंडीशन में, ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये बंद कंडीशन में, और इसे मैं अभी ऑन करूँगा, ठीक है। तो ये ऑन नहीं होता है, बस एक बार आवाज़ आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑन क्लिक करूँगा तो नहीं होगा। और अभी देखिए मैं इसका वोल्टेज चेक करूँगा, 1 मिनट। ऐसा पकड़ेंगे खाली, बस पकड़ के आपको उंगली हटा वहाँ से, हाँ बस ऐसा दिखा। तो देखिए ऐसा, बस इतना ही रखो, 1 मिनट खाली। तो देखिए अभी मैं इसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे करंट में चेक करूँगा इसका, तो ये देखिए इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब ये शॉर्ट हो गया। अभी मैं इसे बंद करूँगा यहाँ पे, और फिर इसे ऑन करूँगा, तब देखिएगा इसका वो करंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें 19 वोल्ट शॉर्ट है। तो आज की वीडियो में हम इस लैपटॉप में देखेंगे, ठीक है, इसका 19 वोल्ट शॉर्टिंग कैसे निकालेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैं सबको पहले साफ कर देता हूँ इस जगह को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे कर इसके स्क्रूज को खोलेंगे, ओके। तो इसमें एक स्क्रू, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 9 10 है स्क्रू है, हमको इन्हें पूरा खोलना होगा, ठीक है। तो मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। तो सारे स्क्रू को खोल लिया मैंने, और अब इसे ओपन करेंगे, ओके। यहाँ पे हटा दिया, उसके बाद है इसके की को स्क्रू ड्राइवर, सॉरी इसके कीबोर्ड को निकालेंगे, ठीक है। यह इंस्पायरन 43000 का सीरीज है, ठीक है। हो गया, अब इसमें भी स्क्रूज है कुछ, 1 2 3, ये 3 4 स्क्रू है, इन्हें खोलेंगे हम, ठीक है। ये होने के बाद आप इसे यहाँ से धीरे धीरे ओपन करिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए जहाँ से ओपन होता है वहीं से करिए, जबरदस्ती कहीं से भी नहीं करना है, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे तो फंस रहा है ये, ठीक है। तो ये अभी निकल चुका है, और हमें इसका बोर्ड बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो मैं इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए गाइस, अब चेक करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, हमारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। ओ ओ ओ सॉरी, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं एक बार, 19 वोल्ट को पूरा चेक करेंगे। देखिए हमारा 19 वोल्ट यहाँ से इन होता है, ओके। फिर ये होते हुए एक मॉस्फेट पे जाता है, मॉस्फेट से होते हुए आगे जाता है,
मॉस्फेट को देखेंगे तो ये शॉर्ट तो नहीं है, ये 19 वोल्ट का कैपेसिटर भी नहीं है, ये करंट सेंसिंग रजिस्टर, ये 19 वोल्ट के कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, हमें देखना होगा कहाँ पे 19 वोल्ट का शॉर्टिंग है, और ये चीज़ हमको स्टेप बाय स्टेप निकाल निकाल के कंपोनेंट को चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मॉस्फेट वगैरह तो कोई शॉर्ट नहीं है, तो मॉस्फेट को हम नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए 19 वोल्ट का कैपेसिटर है। ठीक है, ये भी चेक करेंगे, पहले 19 वोल्ट के अंदर जितने भी हमारे कैपेसिटर आएंगे हम उनको सभी को निकाल के एक बार चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, उसके बाद ये है 19 वोल्ट, ये भी 19 वोल्ट। ठीक है, एक दो, पहले दो को निकालेंगे फिर चेक करेंगे, फिर बाकी के मैं निकाल के मैं इस तरीके से ट्रबल शूटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हीट हो गया, ट्रबल शूट नहीं किया मैंने। ठीक है, अभी चेक कर रहा हूँ सब स्टेप बाय स्टेप, पहले इन दोनों को निकालेंगे। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि हमारा 19 वोल्ट निकला है या नहीं निकला है, मतलब शॉर्टिंग हटी है या नहीं हटी है। तो अभी भी नहीं हटी है, मतलब ये दोनों कैपेसिटर हमारे ओके हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, इन तीनों पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, हम फिर सब चेक करेंगे हमारा 19 वोल्ट हटा या नहीं हटा, तो ये अभी भी नहीं हटा है। सो गाइस, ये देखिए काफ़ी टाइम लग गया एक्चुअली, तो आगे की तरफ हमने पूरा ट्रबल शूट कर लिया, पर ठीक है, और बैक की तरफ किया हमने, तो ये देखिए ये यहाँ पे दो कैपेसिटर निकाले तो इसकी शॉर्टिंग हमारी हट गई है बोर्ड की, ये देखिए। हालांकि टाइम काफ़ी लगा लेकिन ठीक है, तो और यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों, ये दो हैं कंपोनेंट, ये दोनों में से जहाँ तक है ये शायद शॉर्ट है, क्योंकि ये थोड़ा बर्नर टाइप दिख रहा है, हाँ, और ये नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा बर्न है यहाँ से, ठीक है, एकदम मतलब बहुत बारीक सा है, निकालने के बाद ही मुझे भी दिखा, बोर्ड पर नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो काफ़ी छोटा सा है, ठीक है, ब्लैक सा है, बर्न है। तो हमारा 19 वोल्ट का शॉर्टिंग जो है हट चुका है, तब हम इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगा देंगे और आपको एक बार डिस्प्ले चेक कराएंगे लैपटॉप पे, डिस्प्ले चेक होता है या नहीं, मतलब सॉरी डिस्प्ले आ रहा है या नहीं, एक बार वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया, अब उसके बाद हम अपना ब्लोअर बंद कर लेते हैं भाई।
क्योंकि काफ़ी देर से हीट हो रहा है, और एक बार सबको हम फिट करेंगे। फिट करेंगे मतलब नॉर्मली से फिट करेंगे डिस्प्ले चेक कराने के लिए, उसके बाद हम लैपटॉप को फिट करेंगे अपने हिसाब से। फिलहाल आपको सिर्फ डिस्प्ले चेक कराएंगे इस पर। ओके, तो ये चलिए मैं इसे लगा दे रहा हूँ। मतलब हमारा 19 वोल्ट का कैपेसिटर ये ख़राब था, तो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम अभी लैपटॉप ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस देखिए, ये हो चुका है रिपेयर, ठीक है। इसका पंखा ख़राब है, पंखा नहीं घूम रहा है। यहाँ पे लाइट वगैरह सब जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले आ रहा है, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। तो बस इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। इस तरीके से मैंने देखो फिटिंग किया है, कुछ सेटअप किया है और डिस्प्ले वगैरह आ गया है। तो पंखा इसका ख़राब है, ठीक है, वो घूम नहीं रहा है एनीवे। और ये डिस्प्ले आप देख सकते हो अभी भी आ रहा है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।